हाँ, तो आपने वो छोड़ दिया तो कोई वजह है? अच्छा, नहीं, वो आप दोबारा ऐड कर दीजिए ठीक है। मैंने कहा शायद कोई वजह होगी इसलिए छोड़ दिया। मुझे। नहीं, वैसे तो आपका शुभ नाम नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मैं भी ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ इसलिए कह रहा क्या था। है? आपका मैं शुभ तो नाम क्या है? मेरा अच्छे लाल है। मैं तो मतलब ये देख रहा था कि अभी कल परसों जो कार्रवाई हुई है ना, जो लोग मतलब जो आम आदमी पार्टी वाले लोगों ने और उसमें वो पोस्टर लगाए तो उनको हाँ, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो भैया आप भी एंटी बीजेपी चला रहे हो तो फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो रणनीति तो तय करो आप क्या होगी। नहीं देखो, मैं आपको ये बता दूं कि हाँ एंटी बीजेपी कैन नॉट बी योर स्ट्रेटेजी। तो जो हाँ प्राइम हाँ हाँ मिनिस्टर बिल्कुल भारत मिशन कह रहा है कि 21 लक्ष्यों के साथ परिवर्तित भारत व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, हाँ। तो हमारा जो है, यदि आप में इंटरेस्ट है तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ ऐप की, उससे आप जुड़िए। आप ये महसूस करेंगे ठीक कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियां, भाजपा क्या कोई पार्टी नहीं जीतेगी, और ये छुटवैया पार्टी भी नहीं जीतेगी जो एंटी भाजपा कह रही है ना, ये भी हारेगी। क्यों? उसका मैं रीजन बता रहा हूं ना, इन जो एंटी हाँ। भाजपा पार्टी है इनकी सोच और चरित्र क्या है? तो ना ठीक ना है, कांग्रेस कुछ का नहीं चरित्र कुछ है, ना नहीं, भाजपा का चरित्र है, और ना एंटी भाजपा का चरित्र है। ना नहीं है साहब, नहीं है, बिल्कुल ठीक तो कही आपने। हमने आप एक ग्रुप ऐसा में मॉडल जाओगे ना? निकाला अच्छा है, हाँ मैं बिल्कुल थोड़ा सा उसके बारे में आपको समझा दूं। मैं हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं क्राइम फ्री भारत मिशन का, ठीक है मैं फॉर्मर डीजीपी हूं मध्य प्रदेश का, आईपीएस ऑफिसर हूं 1984 बैच का। वाह वाह, मेरा सौभाग्य है जी आपसे बात हो रही है। हाँ, और मैंने क्राइम फ्री भारत मिशन जो है इसका एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट को भेजा था, और हाँ गवर्नमेंट ने उसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप से मैं मान्यता प्रदान की है 2019 में, और ठीक 2019 से मैं ही इसका प्रोजेक्ट हेड हूँ। ठीक है ठीक है। 2021 में मैंने ये महसूस किया कि जहां गवर्नमेंट में सभी अपराधी ही बैठे हुए हैं, सभी राजनेता अपराधी हैं और अपराधियों को ही हाँ टिकट देते हैं, तो ये हाँ अपराध हाँ मुक्त भारत मिशन को कभी जमीन पे नहीं उतरने देंगे। ठीक बात है ठीक बात है। तो फिर हमने एक एनजीओ क्राइम फ्री भारत मिशन स्थापित किया जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। तो ठीक आज है के दिन मेरी दो कैपेसिटी है, एक ठीक कैपेसिटी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल पुलिस मिशन क्राइम फ्री भारत का मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ, ठीक है ना, और ठीक है दूसरी कैपेसिटी है क्राइम फ्री भारत मिशन जो कि एनजीओ है उसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ठीक है और क्राइम फ्री भारत मिशन 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलने की बात कर रहा है। वो कह ठीक रहा है है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने आपको मूर्ख बनाया है, इन दुष्ट राजनेताओं ने आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे ऊपर, जो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और उनका शोषण करने के लिए जो नियम कानून और व्यवस्था बनाई थी, इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने देशवासियों पे वही दुष्ट व्यवस्था जो है थोपी हुई है। ठीक है ठीक और इन इस व्यवस्था में इन दुष्ट लोगों को गुलामी की बदबू भी नहीं आती है। ठीक है ठीक अच्छा, अब ये स्वयं जो है अच्छे लोग नहीं है, आपके जो अभी पार्लियामेंट है जो कि 2019 से 2024 की चल रही है, इसमें हाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनाव आयोग में अपना एफिडेविट देना होता है, उस हाँ एफिडेविट के हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही और बात कही ट्वेंटी आपने। नाइन परसेंट है जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। 29%, 29% हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। तो ये वाह बड़े वाह बड़े वाह वाह, अपराधी हमारे भाग्य विधाता और इस देश के कानून निर्माता क्यों हैं, राइट? और आपको ये बात जानकारी ठीक होना चाहिए कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, हाँ हाँ 403 विधायकों में से 205 अपराधी हैं, अरे बाप रे, मतलब फिफ्टी जो वन है परसेंट फिफ्टी वन मेजोरिटी परसेंट जो है अपराधियों की है, मेजोरिटी। हाँ 51%, 51%।
तो अब मेरा मतलब ये हुआ ना, 50/50 का मतलब ये हो गया कि सरकार जो है अपराधियों की चल रही है, ये कह सकते हैं ना मोटा मोटी। मोटा मोटी नहीं, आप बिल्कुल सही सही कह रहे हैं, बिल्कुल मोटा हाँ मोटी ठीक है कह रहे हैं आप, पक्का ठीक पक्का है ठीक। इस तरीके से आप ठोस बात कह रहे हाँ हैं, जब 50/50 कह रहे हो तो आंकड़े बिल्कुल सही आ रहा, फिर तो मतलब जो मोटा मोटी नहीं, फिर तो पक्का है अपराधियों की, ना ठीक है। पक्का अपराधियों की सरकार है। तो अब जो है, यदि हम आज की व्यवस्था को राक्षसी व्यवस्था कहें, राइट, ठीक तो है। ये राक्षसी व्यवस्था का कहते थे ना, राक्षस का जो है जान जो है एक तोते में रहती थी, राइट। तो ठीक है इस राक्षसी व्यवस्था का जो जान है वो तोते में है, उस तोते का नाम है राजनेता। और जब हाँ, तक हम इस बिल्कुल सही राजनेता बात को नहीं हराएंगे तब तक इस देश में व्यवस्था नहीं बदल सकती है। तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि 21 लक्ष्यों के साथ हम इस देश को बदल देंगे, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। आपने यदि हमारी समझ गया, से बात मुझे आइडिया लग गया। मुझे फोन लगाया था हाँ तो मैंने उनको बहुत डांटा था, मैंने उनसे कहा था कि एंटी भाजपा क्या होगा, आप हमारे साथ ठीक है जुड़ जाइए ठीक और अपने लोगों को ठीक जोड़िए, यदि आप चंद्रगुप्त बन जाएंगे तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं जो मैं है आप थोड़ा चर्चा को विराम दें, मैं थोड़ा माफी चाहूँ उस चर्चा को। आपने जो बात कही है मुझे पूरा आइडिया लग गया, आपने बहुत कुछ कह दिया इतने में, और इस बात को यूं उजागर कर दिया कि भाई यूपी गवर्नमेंट मतलब या यूपी जो सरकार चल रही है वो मतलब जो है ना गुंडों माफियों अपराधियों की चल रही है। बात सही है, मैं पूरी तरह, क्योंकि जब आंकड़े 51 दे दिए तो फिर तो कुछ रह ही नहीं गया कहने को, एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ साहब कि आप जो आइडियल सिचुएशन की या जो आदर्श स्थिति की कल्पना कर रहे हो, क्या हम ये मान के चले संभव है? क्योंकि जो लोग जो एंटी संभव है, एक हाँ हाँ 200% संभव है, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए, और उसके बाद जो हालात पैदा होंगे वो इतने ऐसे होंगे कि ये राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से डिमोरलाइज हो जाएंगी। हमारे मॉडल में 9 दिन में 100 करोड़ लोग जुड़ने का डायनामिक्स है, राइट, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। और लोग जब अपने छत पर चढ़ के थाली बजा कर दीपक जला के अपने चंद्रगुप्तों को विजय बनाने का संकल्प लेंगे तो कोई भी राजनेता, किसी भी पार्टी का कोई राजनेता नहीं जीतेगा। सब मैं समझ गया, मेरी बात तो सुनो, मैं आगे जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो मुहिम है और इसी तरह से ADR भी इसी तरह के आंकड़े जुटा के इन्हीं सब चीजों का पर्दाफाश करता है, तो मैं सिर्फ अपनी जानकारी में जानना चाहता हूँ, नेताओं को हराना है, ठीक है। तो फिर हमें सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराना है। मुझे भाजपा से कोई दुश्मनी नहीं है, भाजपा जितनी दुष्ट है उससे ज्यादा दुष्ट कांग्रेस है। मैं तो यदि मुझे कोई अधिकार दे दे कि आप महान देशद्रोहियों की सूची बनाइए तो मैं उसमें सबसे टॉप में नाम जानते किसका रखूंगा, किसका रखूंगा आपके अनुमान से? ठीक है, तो नहीं, आपने नहीं, ये नहीं, डॉक्यूमेंट इसमें डाला था क्या? मानो रीजन डॉक्यूमेंट आपने जब से जुड़े हो जो है भारत CFB वेब पोर्टल पे चले जाइए, आपको सब देखने को मिल जाएगा। मैं उसमें जुड़ जाऊंगा, लेकिन मैं अभी तो कोशिश ये करता हूँ कि मेरी आपसे वार्ता हुई और आप मतलब गलती से मतलब एग्जिट कर गए, आपको ग्रुप में फिर जोड़ा जाए, मैं एक तो ये अपील डाल देता हूँ। उसके बाद मतलब देखिए आई एम नॉट बेसिकली अदर अबाउट इट, क्योंकि मैं देखो चीज मैं बता दूं, मुझे एंटी भाजपा में कोई रुचि नहीं है, जो एंटी भाजपा बता दूं खुद का चरित्र क्या है, उनकी सोच क्या है। मैं आपको एक और बात बता दूं, आप बात कही है, मेरे आपके विचार मिलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इनका जो एंटी BJP मुहिम जो है आज कौन आ गया है इनको, भाई अरे आप क्या चाहते हो, क्यों नाराज हो, भाई आ जाओ, भाई क्यों उठे हुए आ जाओ, तो ये मतलब सब उसी वक्त खत्म हो जाएगा। खैर मैं ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि मेरी बात रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्डिंग चालू है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आप जो है ना जो विजन डॉक्यूमेंट है वो आप इस ग्रुप में डालो जिससे लोगों की आंख खोले, इसलिए मैं जुड़ रहा हूँ। रोज डालता हूँ मैं, रोज वो चीजें डलती हैं, आपने देखा नहीं कितनी डालता हूँ, सबसे ज्यादा तो मैं ही डालता हूँ, बाकी लोग तो जहन जवाहरत करते रहते हैं। मैं तो पूरा प्रोसेस बताता हूँ, आपने भी हमारे वीडियो देखे। देखिए मेरी एक चैनल है यूट्यूब पर भी जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत,
तो आप YouTube पे क्राइम फ्री भारत लिखिए, आपको 2800 से अधिक ज्यादा वीडियो मिलेंगे जिसमें आप जो है युग परिवर्तन की गर्जना सुन पाएंगे। और मैं आपको भविष्यवाणी बता रहा हूँ, 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हारेंगे, जिसमें भाजपा भी सम्मिलित होगी, और जीतने वाले होंगे क्राइम फ्री भारत के उभरते हुए चंद्रगुप्त, जिनका आज चेहरा भी स्पष्ट नहीं है। हेलो,